चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुँच गई? अच्छी बुद्धि। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। आप दानिश से जाकर मिलिएगा, कब मेरे बारे में से कुछ मत बताइएगा। अगर वो मुझसे पूछेगा कि किसके कहने पे आपने मेरा केस लिया है, तो क्या कहूंगी उसे? वकीलों के पास बहुत जवाब होते हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, तो फिर इतने बड़े झगड़े की क्या वजह थी? मसला क्या हुआ था? मसला मुआज़िबीन का बाप था। तो तुम और रहीमुल्ला जिसके बयान पर दानिश को सजा मिल रही है। हाँ सर। सर, बज़ाहिर तो बिल्डिंग वालों को रहीम से कोई शिकायत नहीं थी, अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। उसका माजबीन के बाप से राब्ता था, जो दानिश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। माजबीन का बाप कहाँ है सर? वो अक्सर मुल्क से बाहर रहता है। अभी भी पाकिस्तान में नहीं। थैंक यू काशिफ। गवाहों के मुताबिक झगड़े के बाद वहां कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था सिवाय रहीमुल्लाह के। अगर दानिश ने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, तो जाए वकूफ पर दूसरा शख्स तो सिर्फ रहीमुल्लाह हुआ। हाँ, लेकिन वो कत्ल क्यों करेगा? पैसे की हवस होती तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कीमती अशिया और रकम पे कोई हाथ नहीं डाला गया। कभी कभी हवस और लालच सिर्फ पैसों की नहीं होती। हाँ, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला पे सिर्फ गला घोटने के निशान हैं, कोई और तशद्दुद और जिंसी ज्यादती का जिक्र तो नहीं। इसीलिए तो दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत है। हाँ, एप्लीकेशन दे दी है और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ऑर्डर भी जल्दी पास कर दे। बात है कि केस की फाइल प्रेसिडेंट साहब तक पहुंच चुकी है, वो कहीं रहम की अपील मुस्तरद ना कर दें। हमें उससे पहले ठोस सबूत प्रोवाइड करने होंगे। हाँ, पोस्टमार्टम के थ्रू कोई एविडेंस मिलता है तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल। क्या सोच रही हो? वो इस केस की जो क्लाइंट है ना, अजीब सी है। वो क्यों? अबे क्या बताऊं, जिस तरह से वो चलती फिरती है, बात करती है, बड़ी पुरअसरार सी शख्सियत है। अच्छा, नाम क्या है उसका? Can you believe it? नाम तो पता ही नहीं है मुझे उसका। Great. तो मैडम कोई फीस वगैरह भी ले रही हैं या सिर्फ चैरिटी में काम हो रहा है? नहीं, फीस मिली है मुझे, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। मेरी मेज पर लिफाफा रखा था एक, ना ही फरहत को पता था ना किसी और को कि वो कहां से आया, और फीस भी डबल थी मेरी। वाओ, चलो एटलीस्ट पैसे तो मिले ना। हाँ, एटलीस्ट पैसे तो मिले। रात को माफ कीजिएगा, बहुत जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। देखो, मैं इतनी रात गए घर पे अपने क्लाइंट से नहीं मिलती हूँ। माफ कर दीजिएगा मुझे,
काम बहुत जरूरी था। तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? जब नियत साफ हो तो मंजिल का पता चल ही जाता है। अच्छा अब आ ही गई हो तो अंदर चल के बात। नहीं, आपको ये बताना था कि दानिश की रहम की अपील मुस्तरद करती है सदर ने। वक्त बहुत कम है हमारे पास, आपको जो करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास तो इस किस्म का कोई लेटर नहीं आया और कोई ऐलान भी नहीं हुआ। बस मुझे पता चल गया, आप भी कंफर्म कर लीजिए। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम इतनी रात गए अकेले कहाँ जाओगी? जैसे आई थी। अच्छा सुनो, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है और दानिश से तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैं कौन हूँ ये बात अहमियत नहीं रखती। जरूरी ये है कि एक बेगुनाह को सजाए मौत से बचाएं। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी वकील हूँ, मुझसे क्यों छुपा रही हूँ? मेरा वादा है आपसे, अगर दानिश सजाए मौत से बच गए तो आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और ये सब क्यों कर रही हूं। ओके, मैम ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। जी थैंक यू। अटेंड नहीं कर रहा, शायद किसी मीटिंग में होंगे। हाँ लेकिन फिर फोन ऑफ होना चाहिए ना। रोहित, मेरा मोबाइल आपके पास है? जी नहीं सर, सर शायद वो गाड़ी में बज रहा है। थैंक यू। हेलो। हेलो, कहाँ हो, कब से फोन कर रही हो तुम्हें मैं? सॉरी यार, मेरा सेल फोन गाड़ी में रह गया था। बोलो क्या हुआ? मेरे ख्याल से ना रात को तुम्हें दो चार बादाम भिगो के रख देने चाहिए और सुबह निहार मुंह ले लेने चाहिए। ये भूलने वाले की आदत जो है वो खत्म हो जाएगी। ये बताने के लिए फोन किया था? नहीं, ये तो सिर्फ बोनस में गया था। एक्चुअली वो मैजबीन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है मेरे पास और उससे ये साबित हुआ है कि कत्ल से पहले उसके साथ जिंसी ज्यादती हुई थी। और जिंसी ज्यादती के बाद उसे गला घोट के मार दिया गया था, तो ये कत्ल उसका शौहर तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त था। अब ये चौकीदार रहीमुल्ला ही बताएगा कि मामला था क्या। ओके, प्लीज कीप मी इन द लूप। एनीवे थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोहित। जी सर। वो चौकीदार है ना रहीमुल्ला? जी सर। इसे रिमांड रूम में लेकर। ओके सर। बहुत बड़ा गलती हो गया आपसे, बहुत बड़ा। हमारे ऊपर शैतान सवार हो गया था, बैग गया था।
साहब बहुत बड़ा गलती हो गया आपसे, बहुत बड़ा, हमारे ऊपर शैतान सवार हो गया था, बैग गया था, पर साहब हम ऐसा आदमी नहीं है साहब, हमारा बाल बच्चा है, हमारा बाल बच्चा है साहब, हमें माफ कर दो साहब, हमारे ऊपर रहम करो साहब, रहम करो। तूने अपने बेटी की उम्र की लड़की पे भी रहम नहीं किया और अब रो रहा है, वो इंसानियत है तेरे अंदर के नहीं? पता नहीं साहब, पता नहीं हमारे को क्या हो गया था साहब, हम बिल्कुल शैतान बन गया था, हमारा खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, हर गलती हमारा सब, हमें ऊपर ऊपर जाना नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए। बेगम साहब, बेगम साहब,
ऊपर से जब शैतान उतरा तो हमको पता चला कि हमने ये क्या कर दिया। हमको सामने मौत और बर्बादी देखता था साहब। हम बहुत डर गया था, हम बहुत डर गया था। हमने हमने बेगम साहब का गला दबा के उसको मार दिया साहब, मार दिया। तूने सिर्फ वाजबीन को कत्ल नहीं किया, उसके साथ साथ तूने दानिश को भी मारने की कोशिश की है। कत्ल पर कत्ल करने की कोशिश की तूने, कितना सफाक इंसान है तू। नहीं साहब, हमने नहीं किया, वो तो बेगम साहब का बाप कहता था। क्या हम दानिश को फांसी दिलवाएगा? वो उससे जगह जगह पैसा खिलाया साहब, वो पुलिस स्टेशन में इधर उधर, और उसके खिलाफ रिपोर्टें बनवाया साहब। वो बोलते थे साहब कि हम इसको फंसवाएगा। हम भी बहुत खुश थे साहब कि हमारा नाम तो नहीं आ रहा है ना। अबर आंखों के आगे पर्दा आ गया था साहब। और तू भूल गया कि ऊपर भी कोई बैठा है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया बेगैरत इंसान है तू? काशिफ, इसका एतराफी बयान लो। ओके सर। तुम्हारा डेट वारंट जारी हो गया है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम्हारा डेट वारंट जारी हो गया है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम्हें अपनी पसंद की कोई भी चीज मंगवानी हो तो बता देना, हम तुम्हें मंगवा देंगे। तुम्हारे घर वालों को इतला दे दी है, आज उनसे भी मुलाकात करा दी जाएगी। अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता देना।
एएसपी हुमायूं, स्पेशल रिक्वेस्ट पे फेडरल गवर्नमेंट ने इनकी सजा मुअत्तल करने का फैसला किया। ये डॉक्यूमेंट। खुशकिस्मत हो, अगर ये 10 मिनट लेट हो जाते तो तुम्हें फांसी हो जाती। कैसा लग रहा है आपको आपका नया जन्म? जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती है जी, लेकिन जब इस खाली घर को देखता हूं तो माजबी की कमी बड़ी महसूस होती है मुझे। पता नहीं उसके बगैर रह पाऊंगा या नहीं। बाहर तो आप लोगों का मामूली से झगड़ा हुआ था, लेकिन कभी कभी ये मामूली झगड़े किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब घर से बाहर गया था तो वो बिल्कुल ठीक थी, जिंदा सलामत। मैं तो ये मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं सोच सकता कि वो घर से बाहर जाएगा, वापस आएगा तो उसकी बीवी जिंदा नहीं होगी। जब आप घर से गए तो माजबीन बेहोश थी, ये चौकीदार का बयान है, तो माजबीन को बेहोशी की हालत में छोड़ के चले क्यों गए थे? नहीं नहीं, बेहोश नहीं थी वो, तो होश में थी। हाँ होश में थी, लेकिन एक मसला था उसका। वो जब भी मुझसे लड़ा करती थी उसे बहुत गुस्सा आता था ना, तो नींद बेहोश ही हो जाया करती थी। बहरहाल उस चौकीदार ने तुम्हें ऊपर भेजने का बंदोबस्त पूरा कर लिया था। भला हो तुम्हारी उस दोस्त का जिसने इस केस में तुम्हें बचाया। प्लीज मुझे उसका बताइए तो सही, वो है कौन? मैं उसके पास जाऊं, उसका शुक्रिया अदा करूं, इतना बड़ा एहसान किया है उसने मुझ पे। वो एक्चुअली उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने से। उसने ये कहा था कि जब तुम रिहा हो जाओगे तो सब पता चल जाएगा, लेकिन वो आई नहीं। नाम क्या है उसका? अजीब सी बात है, मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से उसने तुम्हारा केस प्रेजेंट किया था और उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं तुम्हारा केस लेने से उसे इनकार नहीं कर सकी। बल्कि इनकार तो दूर की बात है, तुम्हारे केस के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मुझसे मिलने आएगी तो जरूर मिलवाऊंगी तुम। चलो चलिए। आप उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे, उसकी तस्वीर तो यहां रखिए। किसकी? यही तो लड़की थी जो मुझसे मिलने आई थी। मेरे केस के सिलसिले में मिलने आती थी? ये तो मेरी बीवी है जिसका जिसका मर्डर हुआ है, माजबीन है। नहीं नहीं, वो लड़की जो मुझसे मिलने आई थी ये उसकी तस्वीर है, वो माजबीन कैसे हो सकती है? तो
एक मिनट एक मिनट, कोई कंफ्यूजन है, माजबीन की कोई जुड़वा बहन थी क्या? हाँ, इकलौती थी। तो फिर ये लड़की?